Good morning, students. Today we are going to start a next chapter of unit 2. Okay, इससे पहले वाले में मैंने आपको meaning of contingent contract बताया था, ठीक है? अब हम next point ले रहे हैं, quasi contract और implied contract. सबसे पहले तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट को 3 नेम से डिफाइन किया गया है, इम्प्लाइड, क्वाइसी एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट. तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है? अब यूजुअली जो इसके लिए नाम यूज किया जाता है वो है इम्प्लाइड वर्ड यूज किया जाता है. इम्प्लाइड और क्वाइसी वर्ड इसके लिए यूज होता है. ओके, अब देखो बच्चों, हमने यूनिट फर्स्ट में जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ा तो हमने उसमें क्या चीज रीड करी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब कहा जाता है जब उसमें उसके एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, यानी जैसे प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, पार्टीज में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जो भी हमारे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब होने चाहिए, तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. ओके, इन एनी केस अगर असेंशियल एलिमेंट्स में से वन या मोर देन वन एब्सेंट होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट होने का नेचर नहीं रखता. बट कुछ रिलेशनशिप्स इस तरीके के होते हैं जहां पर ये लॉजिक वर्क नहीं करता है, कोई भी लॉजिक वर्क नहीं करता है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट दे क्रिएट द सेम टाइप ऑफ ऑब्लिगेशंस एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, कुछ रिलेशनशिप्स इस तरीके से होते हैं जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ना ही कोई लॉजिक वर्क कर रहा होता है, बट फिर भी वहां पर जो ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जैसे ही होती हैं. ओके, सो वहां पर Under certain conditions, the law creates and enforces legal rights and obligation when no real contract exists. वो conditions ऐसी होती हैं जहां पर कोई भी real contract हुआ ही नहीं था, उसके बावजूद भी जो law है वो legal rights and obligations create करता है. उन conditions, उन obligations को हम quasi, इम्प्लाइड या कंस्ट्रक्टिव के नेम से जानते हैं. ओके, सी, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट गिव अ डेफिनेशन ऑफ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई डेफिनेशन नहीं है, बट जो वर्ड है क्वाइसी कॉन्ट्रैक्ट उससे रिगार्डिंग इन्होंने एक डेफिनेशन दे रखी है. और वो डेफिनेशन क्या है, क्वाइसी कॉन्ट्रैक्ट इज अ ट्रांजेक्शन इन विच देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज. द लॉ क्रिएट सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन देम विच आर सिमिलर टू दोज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट. क्या डेफिनेशन है कि क्वाइसी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो ट्रांजेक्शंस होते हैं जिनमें पार्टीज के बीच में, जो भी पार्टीज उन ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व है, उन पार्टीज के बीच में किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं होता है, बट फिर भी जो हमारे लॉ हैं वो उन दोनों पार्टीज के ऊपर वही राइट्स एंड वही ऑब्लिगेशन उसी तरीके से इम्प्लाइड करती हैं जैसा अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में होते तो होता. ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे एक गैस कंपनी है, ठीक है, उसको गैस सिलेंडर पहुंचाना था मिस्टर ए के घर पे, बट उन्होंने बाय मिस्टेकन मिस्टर बी के यहाँ पहुंचा दिया. मिस्टर बी ने उसको ले भी लिया और उसको यूज भी कर लिया. सो बट ऑब्वियसली इस कंडीशन में गैस मिस्टर ए कंपनी और
जो गैस कंपनी है ठीक है, उसके और मिस्टर बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हुआ था, एक ट्रांजेक्शन हुआ ठीक है। अब गैस कंपनी के पास में ये राइट हो गया है, दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ बच्चों, फिर भी गैस कंपनी को क्या राइट मिला है कि चूंकि मिस्टर बी ने वो सिलेंडर ले लिया था, उसको यूज भी करना शुरू कर दिया, तो मिस्टर बी उस सिलेंडर का पेमेंट देंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या देखा था कि प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है, ऐसे सारी टर्म्स होती हैं ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि एक ट्रांजेक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ दो पार्टीज के बीच में, एक ट्रांजेक्शन हुआ और उस ट्रांजेक्शन ने भी दोनों पार्टीज पर वही ऑब्लिगेशंस, वही राइट्स क्रिएट किए जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर होता तो क्रिएट होता। ओके, नाउ नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट मेड बाय द डिजायर ऑफ द पार्टीज बट आर क्रिएटेड बाय लॉ ऑफ लैंड। जो मैंने अभी आपको इस एग्जाम्पल में बताया, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अगर हम जाएं तो गैस कंपनी और मिस्टर बी की विश थोड़ी ना थी कि उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है, ये बाय मिस्टेकन हो गया ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बन गया। ओके, देयर इज नो एग्रीमेंट एट ऑल बिटवीन द पार्टीज। ऑब्वियसली जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक एलिमेंट है कि पहले दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, वो तो यहां पर हुआ ही नहीं ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट कम इन टू बींग आफ्टर अ पार्टी हैज रिसीव्ड अ प्रॉफिट और मनी। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना कब, तब बनता है जब किसी एक पार्टी ने उस ट्रांजेक्शन से कोई प्रॉफिट रिसीव कर लिया हो। जैसे हमारे इस वाले एग्जाम्पल में बी ने वो सिलेंडर रिसीव करके यूज कर लिया था ठीक है ना, तो उन्होंने कोई ना कोई अपना अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया, तब जाकर अब ये ऑब्लिगेशन हो गई उनकी कि उनको गैस कंपनी को पेमेंट करना है। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड इन केस ऑफ अ पर्टिक्यूलर इंडिविजुअल ठीक है, मींस बट ऑब्वियसली बात है, ए कंपनी ने भले ही बाय मिस्टेकन बी को दिया, अगर बी ने रिटर्न कर दिया होता, यूज नहीं किया होता, तो बात यहीं खत्म हो जाती। बट अब चूंकि बी ने यूज कर लिया है तो ए कंपनी के पास में बिल्कुल राइट है, कंपनी के पास में, गैस कंपनी के पास में, कि वो अपना पेमेंट इससे वैलिड वे में निकलवा सकती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाइसी और कंस्ट्रक्टिव और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, आप कहीं भी कंफ्यूज हो ना, तो आप इस वर्ड का मतलब ध्यान रखना। इम्प्लाइड वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो अपने आप हो गया, तो क्वाइसी में भी इसमें हो क्या रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट में, कि ट्रांजेक्शन हुआ और उस ट्रांजेक्शन ने अपने आप ही ऑब्लिगेशन एंड राइट क्रिएट करके कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिए ठीक है। नाउ What is the difference between a normal contract and implied contract? First, a normal contract is the outcome of the desire of the parties. Okay? अगर हम एक normal contract की बात कर रहे हैं तो वो कब होता है, जब दो parties, दो या दो से ज्यादा parties उस तरीके का contract करना चाहती है। But implied में ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप हो जाता है। A proposal and its acceptance are essential for a normal contract. सेकेंड क्या है, आप इसको चाहें तो दो कर सकते हैं। इन्होंने आपको बुक में फर्स्ट में ही ये पॉइंट दे रखा है ना, ये आपके दो डिफरेंस हो गए कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज द आउटकम ऑफ डिजायर ऑफ द पार्टीज, बट इम्प्लाइड में ऐसा नहीं है। सेकेंड, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस उसके की एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, बट इम्प्लाइड के लिए ऐसा नहीं है। थर्ड, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टी अराइज एज सून एज कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, वेयर इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन आर क्रिएटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रही हैं वो कब होती हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब दूसरी पार्टीज इसके लिए लाइबल हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन क्रिएट की जाती है वो कानून करेगा, लॉ करेगा। Fourth, an implied contract arises when a party has received a profit of or money where it is not in the concept of normal contract.
नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या है कि ऑब्लिगेशंस आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें हो रहे हैं, ठीक है। तो जो भी पेमेंट करना है जो भी है वो कंसिडरेशन के हिसाब से होगा। और जो आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक पार्टी ने अपना प्रॉफिट रिसीव कर लिया होता है, इसलिए उसको अपनी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करना होता है, फाइन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सो जस्ट गो थ्रू विद दिस, ओके, एंड लिसन द ऑडियो वेयर केयरफुली, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।